फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं पैराशूट के एडवांस बॉडी लोशंस का। पैराशूट की बॉडी लोशन की रेंज में हमने 3 बॉडी लोशंस को इसमें चुना है। इसमें जो पहला बॉडी लोशन है वो है हमारा कोकोनट मिल्क बॉडी लोशन फॉर सॉफ्ट टच, जो कि ड्राई स्किन के लिए आता है। दूसरा बॉडी लोशन जो हमने इसमें लिया है वो है पैराशूट का एडवांस्ड बॉडी लोशन विद कोकोनट मिल्क फॉर डीप नरिशमेंट और फॉर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन। तो जिसका भी स्किन टाइप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई है वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो एमआरपी है वो 275 है और ये 140 की सेलिंग प्राइस पर मुझे ऑनलाइन मैंने इसको परचेज किया है। तो ये दोनों बॉडी लोशंस का काफ़ी अच्छा मुझे प्राइस रेंज में डिस्काउंट मिला। और जो थर्ड बॉडी लोशन है वो हमारा जो पैराशूट का एडवांस बॉडी लोशन है वो है कोको लिपिड और वाटर लिली के साथ में, और ये आपको 2 times ग्लो भी देता है और साथ में ये पूरे नेचुरल एक्टिव्स के साथ में बना हुआ है। इसका जो एमआरपी है वो 325 rupees है, यानी कि 325 rupees इसका एमआरपी है और ये 170 rupees के समथिंग मुझे इस ये डिस्काउंट के बाद में 170 rupees में ये मुझे मिला। अभी हम इनके डिज़ाइन वगैरह की बात कर लेते हैं। तो इसके जो यहाँ से हैंड के ग्रिप के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन इन्होंने किया है, अच्छा ग्रिपिंग का डिज़ाइन है। ये 400 ml के वॉल्यूम में हमको मिलता है। तीनों जो इसके बॉडी लोशन से तीनों 400 ml के वॉल्यूम में आते हैं और इसके अंदर जो इसका जो नेक है वो यहाँ पर प्रेस करने के लिए यहाँ पर इसका नेक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि यहाँ से जब हम प्रेस करते हैं तो इसमें से बॉडी लोशन बाहर निकल के आता है। अब अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर इसका कुछ ऐसा है कि ये बिल्कुल भी ऑयली आपको फील नहीं होता है, बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होता है, बहुत ही अंदर तक ये अब्जॉर्ब होता है। तो हम सबसे पहले ये जो कोको लिपिड एंड वाटर लिली का जो बॉडी लोशन है उसको ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने ये बॉडी लोशन लिया और मेरे हैंड पर मैं इसको इस तरीके से रब कर रही हूँ। और ये जो बॉडी लोशन है ये काफ़ी अच्छा जो ग्लो है स्किन को काफ़ी अच्छा ग्लो देते हैं और बहुत ही अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। 24 hours से भी ज़्यादा आपको 1 time एप्लीकेशन के बाद में आपको 24 hours से भी ज़्यादा देर तक आपकी जो स्किन है उसको हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड रखते हैं। अगर हम इसकी स्मेल की बात करें तो इसकी स्मेल बहुत ही लाइट सी और बहुत ही अच्छी सी इसकी स्मेल है, जो कि समथिंग वाटर लिली जैसा, लिली फ्लावर्स के अंदर जो स्मेल आता है वैसा इसका स्मेल है। बहुत ही जो सूदिंग सा स्मेल है इसका। और ये जो बॉडी लोशन है नॉन स्टिकी फार्मूला के साथ में है तो बिल्कुल भी चिपचिप ये बिल्कुल फील नहीं होता है। बहुत ही इसका जो अब्जॉर्प्शन है काफ़ी जल्दी स्किन के अंदर ये अब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसको लगाना कैसे है, तो लगाने के लिए आपको क्या करना है कि आप अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग अपने जो स्किन के ड्राई एरियाज हैं, ड्राई पैचेस होते हैं वहाँ पर स्पेशली, या फिर आप चाहें तो अपने पूरे बॉडी पर मॉइस्चराइजेशन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको फिर उसके बाद में 24 hours तक बिल्कुल भी टेंशन लेने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी अच्छे मॉइस्चराइज़र ये पैराशूट की तरफ से आए हैं। तो इनमें हमने जो सबसे पहले बात की थी पैराशूट का मॉइस्चराइज़र जो कोको लिपिड और वाटर लिली के साथ में आता है, ये आपको नरिशमेंट और मॉइस्चराइजेशन के साथ में 2 times ग्लो भी देता है। और अगर अब हम अपने सेकेंड मॉइस्चराइज़र पर चलते हैं तो ये जो मॉइस्चराइज़र है ये इसका जो MRP 275 rupees है और ये 140 के सेलिंग प्राइस पर मुझे मिला। और इसके अंदर हम देखें तो ये एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए है और कोकोनट मिल्क के साथ में आता है। अब इन दो मॉइस्चराइज़र के अंदर जो हमारे कोकोनट मिल्क फार्मूला के साथ में जो दो मॉइस्चराइज़र आ रहे हैं, इसके अंदर पैराबेन एक जो हम कह सकते हैं एक इसका कॉम्पोनेंट है, तो वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। बाकी तो मॉइस्चराइज़र अगर हम फील करें, अगर स्मेल करें और इसकी जो हम जिस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं उस पर्पज़ का जो सॉल्यूशन है उसको अगर देखें तो काफ़ी अच्छा आपका जो ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो मॉइस्चराइज़र है ये एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए है,
काफ़ी अच्छे से स्किन के अंदर तक लेयर्स में ये अब्जॉर्ब होता है और आपको बहुत टाइम तक ऐसा जो है आप स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, मॉइस्चराइज रखता है और काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र ये मुझे लगा। इन सब में मुझे सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र ये ही वाला लगा है जो कि डीप नरिश एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए है, क्योंकि मेरा स्किन टाइप भी थोड़ा ड्राई है, तो मॉइस्चराइज़र की कैटेगरी में मुझे जो अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज़ करे, अच्छे से स्किन को हेल्दी लुकिंग रखें, तो वो वाले मॉइस्चराइज़र मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इस मॉइस्चराइज़र की भी खास बात ये है कि ये ना केवल आपकी स्किन के जो ड्राइनेस है उसको ख़त्म करता है, बल्कि इसमें कोई स्टिकीनेस नहीं है वो, और इसका जो स्मेल है वो कुछ कुछ लेवेंडर के जैसा स्मेल है, और थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा इसका जो फ्रेग्रेंस है थोड़ा सा तेज फ्रेग्रेंस है और काफ़ी अच्छा है। ऐसा जिनको पसंद है फ्रेग्रेंस, अच्छी खासी फ्रेग्रेंस पसंद है अपने मॉइस्चराइजर्स और अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, वो लोग इसको अपने जो मॉइस्चराइजर है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट थर्ड हमारे मॉइस्चराइजर की तरफ चलते हैं, तो इसमें पैराशूट का एडवांस बॉडी लोशन जो कोकोनट मिल्क के साथ में आता है और ये है ड्राई स्किन के लिए। तो पहले वाले हमने एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए देखा था और ये वाला जो है वो ड्राई स्किन के लिए है। अब इसका भी हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ से प्रेस वाला नेक इसमें दिया हुआ है और इसको हम अपने हैंड पर लेते हैं और उसके बाद में इसको हम करके जब रब करते हैं तो इसका जो स्मेल है वो कुछ परफ्यूम के जैसा स्मेल है, मतलब थोड़ा सा लाइट है पहले वाले से, बट इन रिगार्डिंग विद कोको लिपिड एंड वाटर लिली मॉइस्चराइजर ये थोड़ा सा उससे तेज है। तो इसका जो स्मेल है वो मुझे काफ़ी पसंद आया और ये ड्राई स्किन के लिए है, तो ये भी काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र आपको लग सकता है। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई या नॉर्मल टू ड्राई है तो आपके लिए ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको मेरे चैनल पर इन मॉइस्चराइजर्स के रिव्यू कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।